नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। करण जौहर के कॉलेज की स्टूडेंट बनकर अपना बॉलीवुड सफर शुरू करने वाली उसके बाद टू स्टेट्स, राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बेहतरीन फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा के ऑडियंस के बीच अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाली आलिया भट्ट ने अब हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना कदम रख दिया है। उनकी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और फिल्म ने कुल 2 घंटे 5 मिनट की है। तो अगर आप अपना कीमती वक्त इस फिल्म को देने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि ये फिल्म आपको देखनी भी चाहिए या नहीं। जी हाँ, आर्ट ऑफ स्टोन में लीड रोल में एक्ट्रेस गाल गैडोट हैं, जो रेशल स्टोन नाम के एक जासूस का किरदार निभा रही हैं। वहीं रेशल के बाद जो है फिल्म का दूसरा सबसे अहम किरदार है पार्कर का, जिसे जेमी डॉर्नर ने प्ले किया है और ये एक नेगेटिव रोल है। वहीं आलिया भट्ट फिल्म में एक 22 साल की लड़की केया धवन के तौर पर नजर आई हैं। जेमी की तरह आलिया का रोल भी नेगेटिव ही है। वहीं हार्ट ऑफ स्टोन की कहानी कुछ हद तक प्रियंका चोपड़ा की रिचर्ड मैडन स्टारर वेब सीरीज सिटाडेल से मेल खाती हुई दिख रही है। उस सीरीज में ऑजकी नाम की एक टेक्नोलॉजी का जिक्र था, जिससे दुनिया के किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स और आर्मी को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। वहीं सिटाडेल नाम की एजेंसी उस टेक्नोलॉजी को दुश्मनों से बचाने में जुटी थी और कुछ उसी तरह हार्ट ऑफ स्टोन की भी कहानी है। और फिल्म में चार्टर नाम की एक सीक्रेट एजेंसी है जिसके पास हार्ट नाम की एक टेक्नोलॉजी है और जिसे पूरी दुनिया पर अपना जो है कब्जा जमाया हुआ है। वही मोबाइल फोन से लेकर पावर ग्रिड, बैंक और मिलिट्री तक किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है, यहां तक कि वो भविष्य का भी अंदाजा लगा सकते हैं। रेशल स्टोन यानी कि गैल गैडोट इसी एजेंसी के लिए काम करती हैं और पार्कर यानी जेमी डॉर्नर की इसी एजेंसी का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ हार्ट को चार्टर ने से अपने कब्जे में लेने के लिए। और इस मकसद में केया यानी आलिया भट्ट भी उसका साथ देती हैं और कहानी में आगे पार्कर और केया एक साथ नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रेशल हार्ट को बचाने के लिए जुटी हुई हैं। कहते हैं कोई फिल्म तभी एक अच्छी फिल्म हो सकती है जब उसकी कहानी अच्छी हो और सबसे जरूरी उस कहानी को सिलेके के साथ पेश किया गया हो, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखती है। और फिल्म शुरू होने के कुछ समय बाद ही ये एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी कहानी सिटाडेल के साथ मेल खा रही है। और इस फिल्म की सबसे कमज़ोर बात ये भी है कि कहानी इतनी उलझी हुई है कि अच्छा खासा समय ये समझने में ही निकल जाता है कि चल क्या रहा है और चाह क्या रहे हैं। आप अपना फोकस पूरी तरह से फिल्म पर नहीं कर पाते। वहीं गैल गैडोट अपने किरदार में खूब जमी है और एक्टिंग के मामले में उन्होंने फिल्म में के बाकी दूसरे सितारों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं जेमी डॉर्नर का काम भी तारीफ के लायक है, लेकिन आलिया भट्ट अपनी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। और फिल्म के शुरू होने के लगभग 10 मिनट के बाद जब आलिया की एंट्री होती है और जिस तरह से उनकी छोटी सी झलक दिखाई जाती है, उसे देख लगता है कि आगे वो फिल्म में खूब धमाका करती दिखेंगी, लेकिन आलिया से आगे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। और इस फिल्म में उन्हें देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वही आलिया है जिन्होंने बॉलीवुड में गंगूबाई काठियावाड़ जैसी किरदार को संजीदगी के साथ पर्दे पर पेश किया था। लेकिन वही फिल्म में उनका किरदार नेगेटिव है, लेकिन पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर मासूमियत झलकती है। वो अपने किरदार से जुदा और खोई हुई नजर आती हैं, जिसे देखकर एक ऑडियंस का मन उन्हें नेगेटिव रोल में पूरी तरह से एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है। और अगर आप एक एक्शन फिल्म देखने का मन बना रहे हैं और आपको कहानी से कुछ खास मतलब नहीं है तो ये फिल्म आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता ही कहानी है और आप पहले से कुछ अलग देखने का सोच रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह की एंटरटेनमेंट जगत की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही है इंडिया न्यूज़ के साथ।